इंदौर में एक निजी कंपनी में काम करने वाली लड़की को उसी कंपनी में काम करने वाले सुरेश जायसवाल ने लड़की को प्यार का झांसा देकर 4 साल से उसके साथ ज्यादती करने का मामला सामने आया है। सीधी जिले के मड़वास चौकी अंतर्गत रहने वाली लड़की की लड़के से जान पहचान हुई, जहां जान पहचान के दौरान दोनों में दोस्ती हुई और फिर मंदिर में शादी रचा ली और फिर दोनों साथ साथ रहने लगे। दिन बीतने लगे और पीड़ित महिला का बैंक अकाउंट ATM सब में कब्जा कर लिया। इसके बाद युवक गांव घूमने को बहाना बताकर गाँव आया और बम्हानी गाँव में दूसरी शादी रचा ली। महिला को जैसे ही दूसरी शादी के बारे में पता चला, सीधी पहुँच कर मड़वास पुलिस चौकी आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाई, जहां कार्रवाई नहीं होने पर शनिवार को पुलिस कप्तान तरुण नायक के प्यास न्याय की गुहार लगाने लगी। जायसवाल रहते थे और हम दोनों जॉब करते थे। उन्होंने कहाँ जॉब करते थे आप? SEG कंपनी में, वो भी करते थे IPCA कंपनी में जॉब की। कहाँ? इंदौर में जी। फिर आगे? और उन्होंने मेरे साथ बस ऐसे आते जाते, साथ में आ रहे थे जा रहे थे, उन्होंने मेरे साथ फिर रहने लगे और मतलब मेरे साथ शारीरिक संबंध भी बना लिए। और उन्होंने मेरे को शादी का झांसा देकर मेरे साथ हमेशा शारीरिक वो बना। कितने कितने साल से रह रहा था आपके साथ? 4 साल। ऐसे ही रह रहा था कि शादी करके रह रहे थे आप लोग? उन्होंने हमसे मंदिर में शादी करी और फिर बिना बताए यहाँ आ गए और यहाँ आके अब शादी कर लिया दूसरी। मड़वास चौकी क्षेत्र की महिला है जिसने आज एक आवेदन पत्र दिया है कि उसके गाँव के रहने वाले ही सुरेश जायसवाल नामक व्यक्ति ने उसके साथ इंदौर में मंदिर में शादी कर ली थी। और उसका कहना है, आवेदन पत्र में उल्लेख है कि यहाँ फिर से उसने शादी कर ली है। इसकी हम जांच कराएंगे और अगर ये तथ्य पाया जाता है कि उसने वहाँ उसके साथ गलत संबंध बनाए हैं तो जांच के बाद वैधानिक कार्रवाई कर उसको हिरासत में लेकर पूछताछ करेंगे।